नमस्ते बच्चों, माय नेम इज भवानी। आई एम वर्किंग इन भारतीदासनार मेट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी स्कूल एज हिंदी टीचर। ठीक है बच्चों, आज मैं आप लोगों को एक निबंध पढ़ाने वाली हूँ। कौन से एग्जाम में से? वह है प्रवीण उत्तरद। ठीक है बच्चों, सो निबंध। निबंध का मतलब क्या होता है? निबंध का मतलब होता है एसे। ठीक, आज मैं आप लोगों को कौन सा इसे पढ़ाने वाली हूँ? वह जो है हिंदी कविता में राष्ट्रीय विचारधारा। सो व्हाट इज द मीनिंग कविता? कविता का मतलब क्या होता है? कविता का मतलब होता है पोएम। ठीक है, सो हिंदी कविता, तो आपको जो है समझ आ रहा होगा कि हिंदी पोएम में राष्ट्रीय, राष्ट्रीय का मतलब होता है नेशनल, विचारधारा, विचारधारा का मतलब होता है आइडियोलॉजी, इसका मतलब थिंकिंग। ठीक है, सो किस तरह से पोएम में जो है हमारा राष्ट्र का थिंकिंग हमारे पोएट लेके आ रहे हैं, इसके बारे में एक निबंध लिखना है। ठीक है, सो यह निबंध जो है किसने लिखा है? यह निबंध जो है बाबू गुलाब राय द्वारा लिखी गई निबंध है। अभी बाबू गुलाब राय जी, ठीक है, ठीक है, बाबू गुलाब राय जी, उनका जन्म 1888 में हुआ और बाद में जो है जन्म स्थान इटावा उत्तर प्रदेश, मृत्यु उनका 13 अप्रैल 1963 में हुआ। और बाद में जो है उनकी कृतियां हैं नवरस सिद्धांत और अध्ययन 1946 में, बाद में जो है काव्य के रूप 1947, हिंदी नाट्य विमक्ष आदि इनके जो है कृतियां है। ठीक है बच्चों, सो नवरस कब लिखा गया? 1920 को लिखा गया। अभी बताइए कविता, कविता का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोएम? पोएम का मतलब क्या होता है? पोएम का मतलब होता है एक्सप्रेसिंग द फीलिंग्स एंड थॉट, यही होता है पोएम। ठीक है, सो अभी जो है कविता विचारों और भावों की अभिव्यक्ति का साधन है, तो पोएम व्हाट इज द मीनिंग? एक्सप्रेसिंग द फीलिंग्स एंड थॉट्स। ठीक है, अभी जो है इस राष्ट्रीय विचारधारा में, सो आई सेड इस एसे में जो है हमारे राष्ट्रीय विचारधारा, सो नेशनल आइडियोलॉजी, किस तरह के पोएम लिखने से हमारा जो है जनता जो है राष्ट्र के प्रति बहुत ही उनके प्रति जो है जागरण होंगे। ठीक है बच्चों, सो अभी जो है किस तरह का पोएम लिखना चाहिए, किस तरह का कविता लिखना चाहिए ताकि हमारा राष्ट्र के प्रति हमें जो है जागरण हो, तो है देश का यशोगान। सो व्हाट टाइप ऑफ पोएम शुड बी रिटन? देश का यशोगान। सो किस तरह का पोएम लिखना चाहिए? कंट्री पेट्रोइज्म, बाद में जो है शहीदों का वर्ण, शहीदों का वर्णन का मतलब क्या होता है? हु हैज सैक्रिफाइड देयर लाइफ फॉर द कंट्री। ठीक है, इस तरह के पोएम लिखने से ही जो राष्ट्र का जागरण होता है। इतिहास का सजीव चित्रण, इतिहास मीन्स हिस्टोरिक पोएम शुड बी रिटन, बाद में जो है शहीदों का त्यागमन जीवन आदि का वर्णन हमें मिलता है। शहीद, शहीद का मतलब होता है सैक्रिफाइस, सो द सोल्जर्स हु हैज सैक्रिफाइस्ड देयर लाइफ फॉर द कंट्री। ठीक है बच्चों, इस तरह का कविता लिखने से हमारा जो है राष्ट्रीय जागरण होता है। ठीक है, राष्ट्रीय भावना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राष्ट्रीय भावना? राष्ट्र का मतलब होता है नेशनल, भावना का मतलब इमोशंस अदरवाइज फीलिंग्स। सो यहाँ पर जो है कितने तरह के राष्ट्रीय भावना हम देखने वाले हैं,
कौन कौन से हैं? वीरगता काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, नई शैली। ठीक है, सो संजना बताइए तो हम कितने तरह के काल देखने वाले हैं, कितने तरह के, यानी कि वीरगता काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, नई शैली। ठीक है, अभी जो है पहला देखेंगे वीरगता काल में राष्ट्रीय भावना। वीरगता, बाय द नेम इटसेल्फ यू कैन फाइंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वीर। वीर मींस ब्रेव। ठीक है, इसका जो है ब्रेव, द पोएट एंड ऑल विल राइट द पोएम ऑन द ब्रेवरी ऑफ द राजास एज वेल एज दे विल राइट द हाउ लग्जूरियस दे आर लिविंग, लाइक दैट पोएम्स विल बी रिटन इन दिस पीरियड। अभी जो है वीरगता काल। ठीक है, सो राष्ट्रीय भावनाओं को प्रबल होने के लिए वातावरण का शुभोध होना और समाज का संघर्षित होना आवश्यक है। इसका मतलब क्या होता है? राष्ट्रीय भावनाओं, राष्ट्रीय भावना का मतलब होता है नेशनल फीलिंग्स। ठीक है, को प्रबल, प्रबल का मतलब होता है स्ट्रांग। स्ट्रांग होने के लिए वातावरण में जो है टेंशन, और दूसरा जो है टकराव, टकराना का मतलब होता है फाइट, रहना बहुत बहुत जरूरी है। दूसरा जो है शांत और विभक्तमय वातावरण में राष्ट्रीय भावना प्रबल नहीं बनता। इसका मतलब क्या है? अगर उस कंट्री जो है शांत, शांत का मतलब होता है साइलेंट, और बाद में जो है विभक्तिमय, अगर वहाँ एटमॉस्फेयर बहुत बहुत डिसिप्लिन, डिसिप्लिन है, तो राष्ट्रीय भावना नेशनल फीलिंग्स जो है स्ट्रांग नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों, सो बाद में जो है वीरगता काल में हमारा देश कई राज्यों में विभाजित था। सो वीरगता काल में हमारा देश, हमारा देश का मतलब होता है आवर कंट्री, कई राज्यों में विभाजित था। इट वॉज डिवाइडेड इंटू सो मैनी, विभाजित का मतलब इट वॉज डिवाइडेड इंटू सो मैनी पार्ट्स, आवर कंट्री वॉज डिवाइडेड इंटू सो मैनी पार्ट। ठीक है, इट वॉज डिवाइडेड इंटू सो मैनी पार्ट्स, सब राज्य आजाद थे, बट ऑल द स्टेट वेज फ्रीडम। उस समय के कवियों का राजश्रय प्राप्त था, उस समय के कवियों का राजश्रय प्राप्त था। तो इसका मतलब क्या होता है? उस समय के कवि, दैट वीरगता काल के कवि जो हैं राजा के साथ रहते थे, और दे यूज टू अप्रिशिएट द राजास वीर एंड ऑल। बाद में उस समय के राष्ट्रीयता हिंदू धर्म, शान शौर्य, देश की रक्षा आदि तक ही सीमित था। इन दिस पीरियड द पोएट हैज द लिमिट टू राइट ओनली हिंदू धर्म, दे यूज टू राइट ओनली द हिंदू धर्म, शान शौर्य, शान शौर्य मीन्स द राजा यूज टू लीव अ वेरी लग्जूरियस लाइफ, द पोएट विल राइट अबाउट द लग्जूरियस ऑफ द राजा। और बाद में जो है देश की रक्षा, देश की रक्षा का मतलब होता है दे विल जस्ट प्रोटेक्ट द कंट्री। ठीक है बच्चों, सो तक ही सीमित था, सो द पोएट कैन राइट अप टू दिस लिमिट ओनली, दे विल राइट अप टू हिंदू धर्म, दे विल राइट हाउ दे वर लग्जूरियस दे वर लिविंग एंड द कंट्री टू प्रोटेक्ट, द पोएट विल राइट, दे हैव अ लिमिट टू राइट दिस मच पोएम ओनली। बाद में जो है पृथ्वीराज रासो, बिसलदेव रासो, हमीर रासो आदि ग्रंथों में राष्ट्रीयता का यही रूप पाया जाता है। इन वीरगता काल व्हाट आर द ग्रंथ, ग्रंथ का मतलब होता है टेक्स्ट, अदरवाइज बुक, व्हाट आर द टेक्स्ट वी हैव सीन मींस पृथ्वीराज रासो, बिसलदेव रासो, हमीर रासो आदि ग्रंथ में राष्ट्रीयता का यही रूप पाया जाता है। ठीक है बच्चों, अभी जो हम दूसरा देखते हैं, दूसरा जो है भक्ति काल में राष्ट्रीय भावना। भक्ति काल में नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी द
नेशनल फीलिंग्स। भक्ति काल में मुसलमानों के अत्याचारों के कारण देश में राष्ट्रीय भावना दब से गए थे। तो यहाँ पर जो है भक्ति काल में जो है मुसलमान के अत्याचार, अत्याचार का मतलब दे यूज टू रूल, दे यूज टू डोमिनेट इन द विच काल, ठीक है, भक्ति का के कारण देश में राष्ट्रीय भावना दबसी गई थी। तो नेशनल फीलिंग्स वॉज डोमिनेटेड बाय द मुस्लिम्स। मुस्लिम शासकों के शासन में हिंदू लोग निराश हो चुके थे। इन द भक्ति काल द मुस्लिम पीपल्स दे यूज टू डोमिनेट द हिंदू पीपल्स, सो दे वेरी वेरी अपसेट, ठीक है, वहाँ के कवि द पोएट वॉज वेरी वेरी अपसेट। तो हिंदुओं के मंदिर देवालय आदि तोड़े जाने लगे। हिंदू के मंदिर का मतलब द हिंदू पीपल्स टेम्पल्स एज वेल एज देवालय चर्च एवरीथिंग वॉज स्टार्टेड तोड़े जाने लगे। तोड़े का मतलब होता है दे मुस्लिम पीपल दे स्टार्टेड ब्रेक द टेम्पल। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में भारतीय राष्ट्रीयता को आध्यात्मिक ढंग से व्यक्त किया। सो यहाँ पर जो है क्या होता है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीय को अध्यक्ष ढंग से लिखा। सो यहाँ पर जो है इन्होंने भारत के राष्ट्रीय फीलिंग्स को लेके आए। मुगल शासन के वैभव दरबार में रहने वाले कवियों में राष्ट्रीय भावना की कल्पना कैसे की जा सकती है, बिकॉज द मुस्लिम पीपल नॉर्मली दे यूज टू लाइक बी एंटरटेनमेंट, ठीक है, तो वो वहाँ के लोगों जो हैं दे यूज टू डोमिनेट द हिंदू पीपल। सो हाउ द हिंदू पोएट कैन हैव द नेशनल फीलिंग्स इन द विच काल, भक्ति काल में, ठीक है। सो कल्पना कैसे की जा सकती है, सो हाउ वी कैन इमेजिन। नेक्स्ट विच काल वी आर गोइंग टू सी, रीति काल में राष्ट्रीय भावना। रीति काल में नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी द नेशनल फीलिंग्स। इसी काल में औरंगजेब की कट्टरता ने हिंदुओं के सम्मान और वीरता को झकझोर करके जगाया। सो व्हाट इज द मीनिंग, यहाँ पर जो इसी काल में दिस पीरियड ओनली व्हाट वाज हैपन, औरंगजेब व्हाट दे स्टार्टेड डूइंग मींस अगेन ही स्टार्टेड टू डोमिनेट द हिंदू पीपल्स। बाद में उनके वीरता का मतलब होता है ब्रेव और सम्मान, देयर रेस्पेक्ट, उसको क्या करने लगे, झनकारने लगे। तो उनके रिस्पेक्ट को उन्होंने क्या किया, दे स्टार्टेड क्या बोलते हैं उन लोगों को, बहुत ही नुकसान या दे हर्ट होने लगा। बाद में जो है फतह शिवाजी ने हिंदुत्व की रक्षा का पूरा प्रयत्न किया। सो यहाँ पर जो है औरंगजेब ने जो है हिंदुओं का सम्मान, ही डज नॉट रिस्पेक्ट द हिंदू पीपल्स। बाद में जो है शिवाजी ने हिंदुत्व की रक्षा, रक्षा का मतलब होता है प्रोटेक्ट, रक्षा का मतलब प्रोटेक्ट, पूरा प्रयत्न किया शिवाजी जी जो है हिंदू लोगों को, ही वॉन्ट्स टू प्रोटेक्ट इन दिस पीरियड। सो भूषण ने उनकी वीरता का वर्णन किया। सो भूषण, हु इज भूषण, भूषण इज अ पोएट, भूषण जी इज अ पोएट। उन्होंने क्या किया कि उनकी वीरता का वर्णन किया, उनका यानी कि उस शिवाजी जी का वीर यानी ब्रेव, ही स्टार्टेड टू एक्सप्लेन इन दिस पीरियड, विच पीरियड, रीति काल। बाद में जो है भूषण में शिवाजी जी की वीरता, सो भूषण मीन्स पोएट, भूषण जी है पोएट, वह यूज टू राइट द शिवाजी की वीरता, शिवाजी जी ओड वीरता, युद्ध यात्रा, शिवाजी ओड बैटल एज वेल एज मराठा राज्य विरासत, उनके दान दर्शन आदि का सजीव वर्णन अपने कविताओं में लिखे। भूषण जी स्टार्टेड टू राइट इन इस पोएम अबाउट द शिवाजी ब्रेव, ठीक है बच्चों,
अभी जो है सुदन तमांजंग की कविताओं में भी राष्ट्रीय भावना की झलक मिलती है। सुदन तमारंजंग की कविता ऑल्सो वी कैन फाइंड द नेशनल फीलिंग्स इन द रीति काल। बाद में अभी हम क्या देखने वाले हैं, आधुनिक काल राष्ट्रीय भावना। आधुनिक का मतलब होता है मॉडर्न, सो मॉडर्न पीरियड नेशनल फीलिंग्स। ठीक है, सो मेनी पोएट्स आर देयर, व्हाट दे स्टार्टेड डूइंग, सो मेनी पोएट्स आर देयर, व्हाट दे स्टार्टेड डूइंग टू जस्ट गिव द पेट्रियोटिज्म इन द पीपल, दे यूज टू राइट मोर पोएम। ठीक है, तो उसमें जो है मॉडर्न पीरियड्स में जो है राजा राम मोहन रॉय जी, केशव चंद देव जी, महर्षि दयानंद सरस्वती जी, आफ्टर दैट द मोर पोएट्स आर देयर हु स्टार्टेड टू राइट द पोएम्स रिलेटेड टू नेशनल पेट्रियोटिज्म, लाइक जनगण मन वॉज रिटन, वंदे मातरम वॉज रिटन। ठीक है, बाद में जो है हमारे द ग्रेट पोएट्स, वो आर द पोएट्स मैथिली शरण गुप्त जी, सुमित्रानंद पंत जी, सूर्यकांत त्रिपाठा निराला जी, मखनलाल चतुर्वेदी जी, रामधारी सिंह दिनकर जी, जयशंकर प्रसाद जी, ये सब जो है हमारे भारत में नेशनल राष्ट्रीय जागरण के लिए बहुत सारे कविताएं लिखे हैं। दे हैव रिटन मोर पोएम्स फॉर द नेशनल पेट्रियोटिज्म। यहाँ पर जो 19 शताब्दी में राष्ट्रीयता का विकास तेजी से होने लगा, सो व्हाट इज द मीन, इन 19th सेंचुरी द नेशनलिज्म डेवलपमेंट वॉज बिकमिंग वेरी वेरी सून। 1857 में स्वतंत्र का प्रथम संग्राम हुआ, इन 1857 स्वतंत्र मीन्स फ्रीडम्स पहला वर्ल्ड वॉर वॉज हेल्प। ठीक है, विरोध सफल ना हो पाया, बट इट वॉज नॉट सक्सेस, मगर राष्ट्रीय भावनाओं को अवश्य प्रोत्साहन मिला। द वॉर वॉज नॉट सक्सेस बट पेट्रियोटिज्म केम टू ऑल द पीपल्स, ऑल द पीपल वॉन्ट टू बी लिव इन अ इंडिपेंडेंट। ठीक है, सो भारतेंदु हरिश्चंद्र जैसे महान कवियों में राष्ट्र भावना को ही अपना रचनाओं का विषय बना लिया था। सो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी इज अ पोएट, यूज्ड टू राइट मोस्टली पोएम रिलेटेड टू नेशनल पेट्रियोटिज्म। ठीक है, सो हमारे जो है राष्ट्र के प्रति जो भावना है वह लेके आने के लिए ही मोस्टली वह जो है कविता लिखा करते थे। अंग्रेजों के दमन नीति के रहते हुए भी कवियों में जागरण गीत गाना प्रारंभ किया। अंग्रेजों के दमन नीति, दे वर जस्ट ब्रिटिश, दे वर कंट्रोल्ड अंडर ब्रिटिश पीपल, देन ऑल्सो व्हाट हैपन, आवर पोएट यूज टू राइट द पोएम रिलेटेड टू नेशनल पेट्रियोटिज्म। ठीक है, तो द ब्रिटिश पीपल यूज टू रूल, दे यूज टू डोमिनेट, दे यूज टू कंट्रोल, देन ऑल्सो आवर पोएट यूज टू राइट द पोएम रिलेटेड टू नेशनल पेट्रियोटिज्म। ठीक है, अभी जो है राजा राम मोहन रॉय, केशव चंद देव, महादेव रानाडे, महर्षि दयानंद सरस्वती आदि नेताओं ने राष्ट्रीय भाषा भावना को बढ़ाने में अपना अपना योगदान दिया। सो यहाँ पर जो है राजा राम मोहन रॉय, केशव चंद देव, महादेव रानाड, महर्षि दयानंद सरस्वती आदि नेताएं का मतलब होता है पॉलिटिक। ठीक है, पॉलिटिशियंस राष्ट्रीय भावना नेशनल फीलिंग्स, सो नेशनल फीलिंग्स को बढ़ाना टू इंक्रीज, दे हैव डिड मोर कॉन्ट्रीब्यूशन। बाद में जो है टू जस्ट डेवलप द नेशनल पेट्रियोटिज्म, सो मेनी पोएट हैज रिटन द पोएम्स लाइक वंदे मातरम जनगण मन आदि राष्ट्र गीत लिखे गए। सो दिस एंड ऑल नेशनल सॉन्ग्स ऑल्सो रिटन।
ठीक है, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठा निराला, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद आदि कवियों ने राष्ट्रीय भावनाओं का अत्यधिक प्रचार किया। दिस आर द पोएट्स हु हैज रिटन मोर पोएम्स ऑन नेशनल पेट्रोइज्म। बाद में जो है लास्ट हम क्या देखने वाले हैं, नई शैली। सो नई शैली में जो है चक्र, चक्र का सम्मान मिला, ठीक है, देश के आवश्यकता के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द कंट्री नेसेसरी चक्र का प्रचार हुआ। सो चक्र वॉज प्रचार इंट्रोड्यूस। उसमें राष्ट्रीयता का प्रतीक बनकर, राष्ट्रीयता का प्रतीक का मतलब होता है नेशनल, इट्स अ सिंबल ऑफ नेशनल, पताका में सम्मान पाया, पताका का मतलब होता है फ्लैग में जस्ट गॉट द रेस्पेक्ट, विच वन इज गॉट द रेस्पेक्ट, आवर चक्र गॉट द रेस्पेक्ट, ठीक है। सो चारण कवियों के प्रणय काव्य से लेकर वर्तमान कवियों तक का महत्व राष्ट्रीय विचारधाराओं के कारण साई हो गया है। सो इसका मतलब क्या होता है, चारण कवियों का मतलब होता है ओल्ड एज पोएट एज वेल एज न्यू एज पोएट, एवरीबडी स्टार्टेड टू राइट द पोएम ऑन नेशनल पेट्रोइज्म एंड नेशनल फीलिंग्स, ठीक है। सो नाउ द कंक्लूजन, व्हाट यू आर गोइंग टू, हाउ यू आर गोइंग टू कंक्लूड द एसे। साहित्य समाज का दर्पण कहा जाता गया है। सो व्हाट इज द मीनिंग, लिटरेचर इज द मिरर ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। और बाद में जो है देश काल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द कंट्री पीरियड, सदैव जन भावन को व्यक्त करने की शक्ति कविता में है। सो अकॉर्डिंग टू द कंट्री पीरियड वहाँ पर जो है जन, जन का मतलब होता है पीपल्स, भावना फीलिंग्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द पोएम, ठीक है। सो राष्ट्रीय विचारधारा के कविताओं ने देश को प्रेरणा दी है। राष्ट्रीय विचारधारा नेशनल आइडियोलॉजी, कविताओं, कविताओं का मतलब होता है पोइट्री, ने देश को प्रेरणा दी है, कंट्री को इंस्पिरेशन किया है। यहाँ पर जो है हमारे क्या बोलते हैं पोएम जो है हमारे क्या बोलते हैं देश के लिए एक इंस्पिरेशन मिला है, ठीक है बच्चों। आप लोगों को समझ आ गया होगा कि इन द पीरियड व्हाट हाउ द पोएट यूज टू राइट द पोएम टू ब्रिंग द पेट्रोइज्म इन द कंट्री, ठीक है। सो यहाँ पर दैट वॉज ओनली द मेन एम, तो अभी आप लोग को समझ आ गया होगा। सो फर्स्ट यू से हाउ मेनी टाइप्स वी हैव सीन, वी हैव सीन द फाइव टाइप्स, जस्ट से द व्हाट आर द फाइव टाइप्स। पहले जो है हमने क्या देखा, वीरगता काल, दूसरा जो है क्या देखा भक्ति काल, तीसरा जो है थर्ड व्हाट वी हैव सीन रीति काल, चौथा जो है आधुनिक काल, बाद में जो है नई शैली। दिस पीरियड हाउ द पोएट इज टू राइट द पोएम ऑन नेशनल आइडियोलॉजी, ठीक है बच्चा। तो आप लोगों को बिल्कुल समझ आ गया होगा। ओके, दिस इज एन एसे। इन द डिस्क्रिप्शन वी हैव अटैच द स्टडी मटीरियल, क्वेश्चन बैंक एज वेल एज क्वेश्चन पेपर। द क्वेश्चन पेपर हैज बीन प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द सभा एग्जाम। सो इन द सभा दे विल आस्क टू राइट द एसे ऑन हिंदी कविता में राष्ट्रीय विचारधारा। सो यू हैव एनी डाउट जस्ट रेफर द स्टडी मटीरियल,
यू विल बी क्लियर। ठीक है बच्चों, सो आप लोगों को जो है बिल्कुल अच्छी तरह समझ आ गया होगा। धन्यवाद।